संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मुजफ्फरपुर जिले में जगह जगह मनाई गई। वहीं कटरा उत्तरी मंडल भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नगवारा स्थित पूर्व मुखिया उमेश राम जी के आवास पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान कटरा उत्तरी मंडल के अध्यक्ष शिशिर झा, बसघट्टा के पूर्व मुखिया भाजपा कार्यकर्ता अशोक शाह, आशीष राम, उमेश राम सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे और बाबा साहेब को याद किया। इनका दिया हुआ नारा एक बनो, शिक्षित हो और संघर्ष करो, मऊ में मध्य प्रदेश में इनका दर्ज हुआ था और आज इनका पुण्यतिथि है। लेकिन बाबा साहब का उसूल और सिद्धांत को हम लोग पालन नहीं कर पाए। एक बनो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो, कहने में कोई गुरेज नहीं है। जो इनका कथन जो था, इनका कहा हुआ, इनके कहे हुए वाणी पर हम लोग आज तक इसको पालन नहीं कर पा रहे। शिक्षा, बाबा साहब आज पूरे विश्व का रत्न है। क्यों? शिक्षित थे इसीलिए। और स्पष्ट शब्दों में कहा था, शोषित हो, वंचित हो, समाज के निचले पायदान पर हो, सबको, चाहे ऊपरी हो निचले हो, सबसे मतलब नहीं है, सबको शिक्षित बनने के लिए इन्होंने कहा था। सभी समाज शिक्षित हो तभी समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, राज्य का कल्याण होगा। हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं आज, लेकिन बाबा साहब कहे हुए कथन को हम लोग आमूल एकदम उसको निश्चित रूप से धारण करना है। हमारे समाज के गार्जियन सब बैठे हुए हैं, आप लोग भी अपने बच्चे को निश्चित रूप से, हम दो कट्ठा नहीं खरीदेंगे, हम दो शाम नहीं खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, शिक्षित बनाएंगे, शिक्षा से ही सम्मान पाएंगे हम लोग। तो शिक्षा में कोई कमी नहीं होना चाहिए, सभी लोग शिक्षित बने। और अब विशेष जो है, हम अपने गार्जियन अभिभावक श्री अशोक शाह जी से आग्रह करेंगे जो आप आए और बाबा साहब के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग के बीच में प्रकाश डालें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक गरीब परिवार में पैदा लिए, बहुत राजा महाराजा के यहाँ ये पैदा नहीं लिए थे। समाज के अंतिम व्यक्ति जो जिसको कहता है, हमारे जैसे आपके घर में ही इनका जन्म हुआ। बचपन से ही काफी मेधावी छात्र थे, गरीबी के कारण, अभाव के कारण जो है, ये शहर में जो बिजली लगी हुई होती है सड़क किनारे, उस बिजली के रोशनी में पढ़ने का काम इन्होंने किया। साधारण संघर्ष इन्होंने नहीं किया, सामाजिक विषमता, ये मेहतर जाति के थे, क्या स्थिति रही होगी आज से 100 साल पहले उस समाज की, आप हम सब लोगों को ज्ञान है। हम लोगों को किस दृष्टि से, समाज के जमींदार वर्ग के लोग किस दृष्टि से देखे हैं, कहने की जरूरत आज नहीं है। आजादी की लड़ाई भी इन्होंने पूरा साहस और पूरे पुरुषार्थ के साथ इन्होंने लड़ा, क्या कोई लड़ेगा? हमारे जो कांग्रेस के लोग थे, उस समय भी गुलामी के दिनों में भी कांग्रेस बन गई थी, 1885 की पार्टी है, देश अमर आजाद हुआ 1947 में, और कांग्रेस के लोगों ने यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे। आज जो सपना बाबा साहब ने देखा, उसी का परिणाम है अशोक शाह, उसी का परिणाम है उमेश राम, उसी का परिणाम है आशीष राम। संविधान का निर्माण नहीं होता, लोकतांत्रिक मूल्यों को जगह नहीं मिलती संविधान में, तो कभी गरीब का बेटा गांव का मुखिया नहीं होता। हम सब लोगों को समझना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का दो फूल अर्पित करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बाबा साहब।
संविधान के रचयिता के पुण्य तिथि पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और बाबा साहब के सिद्धांत को उनका रास्ता पर हम लोग को चलना है, पूरे समाज को शिक्षित और संगठित करना है। दो रोटी कम ही खाएंगे और बच्चों को शिक्षित करना बहुत अनिवार्य है। इस जन शब्दों के साथ कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है। नमस्कार, प्रणाम।